नियुक्ति के नाम पर भाई भतीजावाद का खेल बंद हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। फल फूल रही है उगाही का, चचा भतीजावाद का एक नया खेल शुरू होगा भर्ती में। अब मेधावी लोग रोड पर रोते कलपते रह जाएंगी, आंदोलन करेंगे तो लाठियों की बौछार से उनकी आवाज को गुम करा दी जाएगी। यह भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस, उस लुटेरे को उस भ्रष्टाचारी पर क्या कार्रवाई हुई ये भी तो बताना चाहिए। छोटे से लेके उच्च अधिकारी तक बिना चढ़ावे के आम जन का कोई काम नहीं कर रहा। जो आया है जाना तय है, और कल हम लोगों की सरकार आएगी, सारे फाइल खुलेगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों की कहानी निकलेगी और उनकी संपत्ति भी जब्त होगा। आपने बिहार के लिए कुछ किया हो या नहीं, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप दे दिया है, जिससे संपूर्ण बिहार की जनता त्रस्त है। पुलिस से लेके प्रशासन तक, स्कूल कॉलेज से लेके अस्पताल तक, पंचायत से लेके सचिवालय तक, छोटे से लेके उच्च अधिकारी तक बिना चढ़ावे के आम जन का कोई काम नहीं कर रहा। महोदय, अब आइए हम उच्च स्तरीय संवेदनहीनता एवं भ्रष्टाचार पोषण की बात करें। महोदय, आप अवगत हैं कि पूर्व पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल जो पदासीन थे, तथा गया के एसएसपी आदित्य कुमार का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया था। आदित्य कुमार को क्लीन चिट देने के मामले में ये खुद संदिग्ध हैं और इनके कार्यकाल एवं इनके किस कार्यकलाप की जांच होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का कमाल देखिए कि इन्हें सिपाही भर्ती बोर्ड के अधिकृत केंद्रीय चयन पर्षद का अध्यक्ष बना दिया गया। वाह, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। यहाँ हजारों सिपाही की भर्ती होनी है, ऐसे कई उदाहरण हैं जो आपकी भ्रष्टाचारी पोषक नीति की वजह से फल फूल रही है उगाही का, चचा भतीजावाद का एक नया खेल शुरू होगा भर्ती में। अब मेधावी लोग रोड पर रोते कलपते रह जाएंगी, आंदोलन करेंगे तो लाठियों की बौछार से उनकी आवाज को गुम करा दी जाएगी। यह भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस। विधानसभा, जिस सदन के अंदर महोदय हम आप बैठे हैं, और आपको भी थोड़ा थोड़ा याद होगा क्योंकि आप भी भवन मंत्री रहे हैं, विस्तारित भवन का निर्माण कार्य 2012-13 में प्रारंभ हुआ और 2022-23 आ गया। महोदय, कब तक यह बनेगा? 10 वर्षों में भी अधूरा पड़ा है। आप तो भवन मंत्री भी रह चुके हैं, आपसे छुपा नहीं है कितने कितने खेल और बेल हुए व्यर्थ भ्रष्टाचार और तकनीकी अनियमितता के कारण यह भवन अधूरा है। यहाँ का विधायक ये सदन जानना चाहता है कि 10 वर्षों में विस्तारित भवन पूरा नहीं हुआ, कितने वर्षों में पूरा होगा? सरकार को जवाब देनी चाहिए। और जिसने लूटा है, उस लुटेरे को उस भ्रष्टाचारी पर क्या कार्रवाई हुई ये भी तो बताना चाहिए। इस विधान कई विभाग के अंदर महोदय, कई विभाग के अंदर और बिहार बिमार विधानसभा के विधानसभा के अंदर महोदय, नियुक्ति के नाम पर भाई भतीजावाद का खेल बंद हो, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। महोदय, अगर जो ये खेल नहीं बंद होगा तो ये भरम में नहीं रहे जो जन्म लिया है मरना तय है, जो आया है जाना तय है, और कल हम लोगों की सरकार आएगी, सारे फाइल खुलेगा, ऐसे भ्रष्टाचारियों की कहानी निकलेगी और उनकी संपत्ति भी जब्त होगा। महोदय, महोदय, एक और भ्रष्टाचार का कहानी कहते हैं, एक विभाग की कहानी है। आपके जगह पर मैं आसन पर बैठा था, सत्ता पक्ष के लोग ही क्वेश्चन किए थे। महोदय, आपके साथ साथ यह पूरा सदन भी अवगत है कि सरकार के साथ निश्चय योजना के तहत बिहार कौशल विकास मिशन में ट्रेनी पार्टनर एमकेसीएल कंपनी
एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है जिस पर उड़ीसा में सीबीआई कोर्ट में मामला भी दर्ज है। यह कंपनी कुशल युवा प्रोग्राम सहित कभी विभागों में डोमेन स्किल के नाम से अवैध ढंग से 1000 करोड़ से अधिक पैसे की उगाही की है। 1000 करोड़ से महोदय, जिस पर विशेष समिति ने जांच कर अपना रिपोर्ट दिया है, लेकिन शासन प्रशासन इसे उगाही का जरिया बना रही है और विशेष कमेटी का रिपोर्ट सदन पटल पर क्यों नहीं रख रहा। पशुपालन घोटाला में भी यही हुआ था, सदन पटल पर प्रतिवेदन रख देता तो 1000 करोड़ का घोटाला नहीं होता। प्रारंभिक दौर में वह पकड़ाता और रुक जाता। आज सरकार जिससे बचना चाहती है, जिस MKCL कंपनी पर CBI का उड़ीसा में घोटाला का केस चला, उसको काम कैसे मिला इस बिहार में।